केरल से हमारे बहुत अच्छे दोस्त महाराज चिन्मय का संदेश आया है। उन्होंने हमें अपने उत्सव में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। महाराज, हमने सुना है कि वहाँ के उत्सव बहुत अद्भुत होते हैं। हाँ, बहुत सुंदर और भव्य भी। हम तो राजपाट के काम की वजह से इतना समय निकाल नहीं पाएंगे, पर हम चाहते हैं कि इंदुमती और तुम सब वहाँ जरूर जाओ। जी महाराज। राजकुमारी इंदुमती और आप सभी का केरल राज्य में स्वागत है। पिताजी ने आपके लिए ये कुछ तोहफे और साथ अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। क्या हुआ महाराज, आपके माथे की लकीरें आपके मन में किसी चिंता का संकेत दे रही हैं। कुछ समय से ये उत्सव हमारे लिए खुशी के साथ साथ दुख का भी कारण बनते जा रहे हैं। हमारे मंदिरों में कई अनमोल पत्थर, मूर्तियाँ और शिल्पकृतियाँ हैं। वो हमारे मंदिरों की शान है। उसकी रक्षा सुरक्षा हमारा धर्म है। अजीब सी समस्या है, हर उत्सव पर मंदिर में डाका पड़ता है। हमारी लाख कोशिशों और सुरक्षा इंतजामों के बाद भी हम उस एक अज्ञात चोर को पकड़ नहीं पाते। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सब इस उत्सव में पहरे पर रहेंगे। तुम यहाँ छुट्टी मनाने आए हो, अपने खेल मनोरंजन पर ही ध्यान दो। कलारी पयट्टू, ये यहाँ की खास युद्ध विद्या है, कई हजारों साल पुरानी। हम भी कलारी पयट्टू युद्ध विद्या सीखना चाहते हैं महाराज। हाँ हाँ जरूर। तो फिर महाराज, आप ही हमें किसी अच्छे गुरु का नाम सुझाइए जो हमें ये विद्या सिखा सके। हमारे राज्य में गुरु तो बहुत हैं, एक से बढ़कर एक निपुण, पर फिर भी आज तक कोई भी गुरु मथाई के जैसा नहीं। तो फिर हम गुरु मथई से ही सीखना चाहेंगे। बच्चों, आज से तुम अब हमारे शिष्य हो। ये लाल वस्त्र पेट पर बांधो। बच्चों, कलारी पयट्टू के लिए शरीर में ताकत के साथ साथ लचक और फूर्ती होना बहुत जरूरी है। इसलिए शुरू में शायद तुम्हें ये शिक्षा मुश्किल लगे। अभ्यास चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए। सालाना मुकाबले के पिछले कई साल के विजेता राजकुमार गाजा पधार रहे हैं। आप में से कौन है जो इन्हें इस बार चुनौती देना चाहेगा? कोई है जो इस मुकाबले में राजकुमार गाजा को चुनौती दे? अपने गुरु मथाई की कलारी से मैं राजकुमार गाजा को लड़ाई की चुनौती देता हूँ। जब तेरा गुरु ही हमारे सामने टिक नहीं पाया तो तू तो हमारी भूख से ही उड़ जाएगा बच्चे। सब हमारा ऐलान सुन लो।
राजकुमार काजा 9 सिखिये से नहीं लड़ेंगे। इन सबको आपस में भिड़ जाने दो। इनमें से जो जीतेगा फिर उसका हमारा मुकाबला होगा। जी ऐसा ही होगा। राजू जग्गू सुनो, सब चोर यही कहीं छुपा है। मैंने उसे मंदिर के अंदर की ओर आते हुए देखा। हमें उसे ढूंढना ही होगा, जल्दी। क्या हो रहा है? गाजा, मेरा भाई पर क्यों? सच है, मैं बलवान हूँ। राजा तो मैं ही बन के रहूंगा, पर पहले इस लड़के को सजा दूंगा। अब इस बार तेरी आखिरी हार है। बस तेरा खेल खत्म। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी। अब हुआ खेल खत्म। अयो 19 साब जानता, अयो रामा 19 साब जानता। लड्डू का शौकी